आपको पान मंडी अनारकली लेकर नरेंद्र आए मोदी हैं। साहब जो हैं, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? लेकिन मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब को थोड़ी सी अकल करनी चाहिए। बहुत टाइम ज़ाया कर दिया उन्होंने। मैं ज़ाती तौर पर ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब को कोई अकल करनी चाहिए और लोगों के, अवाम के जो अजहान है, मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पर यूपी के हालात क्या हैं और बाकी सूबों के हालात क्या हैं। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के हुक्मरान, उनको कितनी अकल करनी चाहिए वो भी ज़रा प्लीज बताइएगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी शर्म करनी चाहिए, हाँ, कि अपने मफाद को छोड़कर अवामी मफाद को जो है देखना चाहिए कि हमारे क्या मसाइल हैं। हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सके 75 साल। बताइएगा कि जो इंडिया से जो हमारी तजारत है वो बहाल होनी चाहिए, आप समझते हैं? बिल्कुल जी, बहाल होनी चाहिए। इसमें तो हमारा इशू तो उनसे कोई नहीं है इसका, ये तो एमी गवर्नमेंट ने अपने तौर पर या लोगों ने बनाया हुआ है, तो मेरा तो ख्याल है कि होना चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है। तजारत बंद होने से आपका भी नुकसान हुआ है जी? बिल्कुल जी, तजारत बंद होने से तकरीबन समझ लो कि कारोबार बहुत मुतासर हुए हैं। हमारे माल उधर जाते थे, उनके माल इधर आते थे। आज हम आपको पान मंडी अनारकली लेकर आए हैं, या आज आपको हम बताएंगे कि जी इंडिया से पाकिस्तान की तजारत 2019 से बंद है, जब से खसूसी हैसियत कश्मीर की इंडिया ने ख़त्म की है, मकबूजा कश्मीर की, और इंडिया में मर्ज कर लिया है, जिससे उसके बाद से पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर इंडिया से एहतजाज करते हुए तजारत बंद कर दी। आज हम जो पान मंडी आए हैं और यहाँ के जो सदर हैं रिजवान अलाही साहब, उनसे पूछेंगे कि कौन कौन सी ऐसी आइटमें हैं जो कि नहीं आ रही, और ये समझते हैं कि जी तजारत बहाल होनी चाहिए, इसके साथ मुज़ाकरात के ज़रिए कश्मीर का मसला बहाल होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये 2019 से ये तजारत बंद है, कि आपका जो माली नुकसान भी काफ़ी हुआ है? काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। देखें, इंडिया से जो हम तजारत करते थे उसमें सर फहरिस्त में पान मंगवाते थे उनसे, और जो है पान हमें जो है दूसरे मुल्कों की नस्बत हमें यहाँ से सस्ता पड़ता था, और हमारे जो ट्रेड है उसको बहुत ज़्यादा जो है उससे फ़ायदा था। तो अब जब से ये इन्होंने 2-4-5 साल से इस चीज़ को बंद किया है, तो उससे हमारे ट्रेड को नुकसान ये पहुंच रहा है कि हमारी ट्रेड काफ़ी महंगी हो चुकी है। रिजवान साहब आगे कैमरे में देखिए, काफ़ी महंगी हो चुकी है हमारी ट्रेड जो है वो काफ़ी महंगी हो चुकी है। फिर इंडिया से जो है काफ़ी हद तक मसाला जात, इलायची दाना वगैरह जो है, जो हमारे खाने की चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, वो काफ़ी तादाद में यहाँ आता था और सस्ता पड़ता था। अब हम दूसरे मुल्कों से जो मंगाते हैं, क्योंकि इंडिया जो है उसके साथ हमारी एक बॉर्डर लाइन का ही सिर्फ जो है वो ताल्लुक़ है। अगर हम थोड़ा सा एक बॉर्डर लाइन जाते हैं तो इंडिया दाखिल हो जाते हैं, और इंडिया से बॉर्डर लाइन आते हैं तो पाकिस्तान दाखिल हो जाते हैं। इसमें हमारे खर्चे अखराजात जो हैं वो बहुत कम हैं, जिसमें हमें जो है वो दूसरे मुल्कों से जब मंगाते हैं तो वो हमें जो है उसके अखराजात बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। पेमेंट आप जो देते थे डॉलर लोकल आप उसमें देते? जी, हमारा जो पेमेंट का ताल्लुक था वो हमारा LC का ताल्लुक था, अपना करेंसी में LC में दिए जाती थी उनको पेमेंट, तो उससे हमें काफ़ी हद तक जो है ना बचत का ताल्लुक था। अब जैसे अब आप ये देखें, आजकल जो है काफ़ी सब्ज़ियाँ शॉर्ट हैं, तो वो आपके इंडिया के अंदर जो है वो काफ़ी उसमें जो है ना हमें रिलीफ हासिल होता है अगर हम इंडिया से मंगवाएं वहाँ से। तो यहाँ से हमें जो दूसरे मुल्कों से, हम इंडिया को छोड़ के जो हमारे नज़दीक मुल्क है, देखें जी इशूज़ अपनी जगह पे हैं, लड़ाई झगड़ा वो सारा कुछ ठीक है, तो उसको अगर हम हटा के एक साइड पर करें तो जो हमारे मुल्क की ज़रूरियात हैं वो कम से कम हमें अपने गरीब लोगों के लिए, अपने परेशान लोगों के लिए उसको पूरा करना चाहिए। आप समझते हैं कि तजारत बहाल होनी चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल तजारत ज़रूर बहाल होनी चाहिए जी, बिल्कुल। और इशूज़ पर भी बात होनी चाहिए, जो हमारे इशूज़ हैं उनके साथ वो भी, उस पर भी हमें ज़रूर बात करनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो मुल्क के मसले मसाइल हैं, जो हमें चीज़ की ज़रूरत है वो हमें ज़रूर मेडिसिन है वो बड़ी ज़रूरी है। कौन कौन सी मेडिसिन आती है? बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे हमें जो अपना लीवर की जो इंडिया से आती है ख़ास तौर पर, वो बहुत अच्छी मेडिसिन और बहुत सस्ती है, यहाँ पर बहुत महंगी मेडिसिन है वो, और वो बहुत फ़ायदा देने वाली है, लोगों को बहुत फ़ायदा देती है वो लीवर की मेडिसिन जो है। तो इस तरह की और 2-4 काफ़ी मेडिसिनें हैं, अगर वो मतलब ये कि उनको दोबारा मंगवाया जाए तो कम से कम लोगों की ज़रूरत के लिए तो मंगवाया जाए उनको, तो इस चीज़ को दोबारा जो है उसको खोला जाए और इसको अपना आम किया जाए, अपना ज़रूरियात की चीज़ें मंगवाई जाए। अच्छा जी, मैंने आप पूछना था, इस टाइम दुबई से भी वाया चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस टाइम भी थोड़ी बहुत आ रही हैं जो वाया दुबई आप ले रहे हैं? देखिए जी, उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी पेन मेडिसिन है, पेन किलर ट्यूब्स वगैरह हैं, वो हमें वहाँ से लेनी पड़ रही हैं, दुबई से मंगवानी पड़ रही हैं। लेकिन देखें ना, जो बराबर की बात होती है, जो हमसायेगिरी की बात है, वो और चीज़ है, एक वाया दुबई मंगवाना जो है वो एक और चीज़ है, उसमें खर्चे अखराजात मैंने पहले भी आपको जैसे अर्ज़ किया, उसके बहुत ज़्यादा हमें
खर्चे अखराजात पड़ते हैं वहाँ से मंगवाने, काफ़ी महंगी पड़ती है, काफ़ी महंगी पड़ती है, वो डबल के रेट पे हो जाती है वहाँ से। अच्छा आप एक सिर्फ जो ट्रेन बाय ट्रेन आती थी या बाय बस जो चीज़ आती है उसका वो खर्चा नहीं पड़ता, जो बाय एयर पहले दुबई जाएगी, दुबई से बाय एयर वापस पाकिस्तान आएगी। अच्छा सर कौन सी चीज़ें जो पहले हम कुछ चीज़ें अब नाम से बता दें कि जो इंडिया से यहाँ से जब तजारत थी आती थी। देखिए हम पहले हम वहाँ से सामने देखिए पहले हम वहाँ से पान वगैरह मंगवाते थे, वहाँ से हम इलायची दाना दालचीनी वगैरह ये चीज़ें आती थी, मेडिसिन आती थी जिसमें लिवर्स की मेडिसिन थी वो बहुत आला थी। तो अब जो है वो जब से उनके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, जब से ये चीज़ें बंद हुई हैं, तो अब ये चीज़ें जो हैं बहुत महंगी हो चुकी हैं यहाँ दूसरे मुल्कों से लेने में, दूसरे मुल्क। आप ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा करेंगे कि जी फिर फौर तजारत बहाल की जाए? मैं उनसे ये मुतालबा करूँगा कि इशूज़ पर भी बात करें उनसे और ख़ास तौर पर जो चीज़ें हमारी ज़रूरियात की वो ज़रूर मंगवाएँ। रिजवान साहब बहुत मेहरबानी, इसमें हम आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहेंगे कि जी बाकी कुछ अगर शॉप दुकानदार हैं वो भी अपना दार ख्याल कर सकें तो यहीं हम उनसे बात कर लेंगे आपके साथ। मार्केट एसोसिएशन जो अनारकली है उनके जो चेयरमैन हैं कील अहमद साहब से भी हम बात करते हैं, उनके क्या तासुरात हैं जी? कील साहब अस्सलाम वालेकुम जी, अब बताइएगा कि जो इंडिया से जो हमारी तजारत है वो बहाल होनी चाहिए, आप समझते हैं? बिल्कुल जी बहाल होनी चाहिए, इसमें तो हमारा इशू तो उनसे कोई नहीं है इसका, ये तो एमी गवर्नमेंट ने अपने तौर पे या लोगों ने बनाया हुआ है, तो मेरा तो ख्याल है कि होना चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है। तजारत बंद होने से आपका भी नुकसान हुआ है जी? बिल्कुल जी, तजारत बंद होने से तकरीबन समझ लो कि कारोबार बहुत मुतासर हुए हैं, हमारे माल उधर जाते थे उनके माल इधर आते थे। अच्छा कील भाई यहाँ से कौन सा माल जाता था इंडिया? कपड़े हो गए, जूतियाँ हो गई, और मसलन काफ़ी आइटमें ऐसी हैं जो हमारी यहाँ पाकिस्तान से वहाँ जाती थी, उनकी वहाँ से तकरीबन काफ़ी चीज़ें उनकी भी आती थी इंडिया से। तो अब ये गवर्नमेंट के मसले हैं, अब क्या कह सकते हैं इसमें, मतलब कहने का कॉस्मेटिक्स का सामान भी इंडिया से आता था? इंडिया से वो इधर से भी जाता था, उधर से भी आता था, लेकिन अब वो इधर बनना शुरू हो गया। हुकूमत वक्त से आपका ये मुतालबा है कि तजारत बहाल होनी चाहिए? बेशक जी, क्यों नहीं, मेरी अपील है कि गवर्नमेंट से तजारत बहाल होनी चाहिए। उसमें हमारा देखो पानों का बड़ा इशू है, इसमें श्रीलंका से पहले पान आता था तो हमें कम रेट पर मिलता था जब इंडिया से हमारी तजारत होती थी, जब इंडिया से तजारत बंद हुई है तो श्रीलंका वाले उन्होंने आसमान पर रेट कर दिए हैं, जो रुपये की चीज़ थी वो 10 रुपये में देते हैं और ब्लैक मेलिंग अलहदा करते हैं वो। तो ये अगर इंडिया से हमारा ये कारोबार बहाल हो जाए, इंडिया से पान भी आना शुरू हो जाए, तो बेसिकली मेरा तो ये ख्याल है कि तकरीबन जो है ना हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, जो इस टाइम महंगाई के हैं आपके सामने जो देख रहे हैं आप, इतनी महंगाई हो गई है, जो पान हमारा था 2000 का 1800 का 1500 का आता था वो अब 4000 का आ रहा है, डबल हो गया तकरीबन। सिर्फ किस वजह से? इसी वजह से इंडिया से तजारत बंद हो गई, उधर से जो हमारा माल आता था वो बंद हो गया, वो हमने श्रीलंका से मंगाना शुरू कर दिया, वो श्रीलंका वालों ने रेट ट्रिपल कर दिया उसके, वो नखरे अलग हैं और कैश पे माल भेजते हैं, वो पहले वो उधार भेजते थे। अच्छा इंडिया से आप कैश पे लेते थे या क्रेडिट पे मिलता था? नहीं कैश पे ही जाता था, LCA खुलती है ना हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, LCA खुलती हैं, उसके LCA से गवर्नमेंट के उसमें पैसे जमा होते हैं अकाउंटों में, बैंकों में पैसे होते हैं, उस तरीके से हमारी LCA आती थी, माल आता आसानी से इधर आ जाता था, आसानी से आ जाता था। फिर भाई बहुत मेहरबानी जी। मोहम्मद नदीम भट्ट साहब की यहाँ पान की शॉप है, ये पान का काम करते हैं थोक का, इनसे पूछते हैं जी। जी भट्ट साहब क्या तासुरात हैं आपके? मैं ये समझता हूँ कि अवामी तौर पर जो है हिंदुस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग दोनों तरफ़ैन के लोग जो हैं वो तिजारत की मुखालफत नहीं कर सकते, उधर के पंजाब के लोग और इधर के पंजाब के लोग। पहले हमें टमाटर आ जाते थे, प्याज आ जाता था, फौरन चीज़ें यहाँ अवेल हो जाए, 6 घंटे लगते थे, 6 घंटे में हमें सामान यहाँ मिल जाता था, हमें ईरान से और इतनी दूर से लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कितना फ्यूल चाहिए, इतनी दूर से सामान आए उस पर जितने का आप सामान है उतना ही तो खर्चा पड़ जाएगा। इधर तो अमृतसर साथ है, 45 किलोमीटर टोटल अमृतसर है यहाँ से अनारकली से, तो सामान पे मेरा नहीं ख्याल कि आवाम को इस तरह की कोई एजिटेशन करनी चाहिए कि जी हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उनका मसला उनके साथ है, ट्रेड से कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का, दिल सियासी मामलात को तजारत से दूर रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। कभी भी किसी ने भी किसी मज़हब के लोगों ने, हम यहूदियों से भी तजारत कर रहे हैं, कर नहीं रहे यहाँ, लीवर वाले यहूदी नहीं हैं,
उनकी थॉमस बाटा जो है वो जो दी रही है तो उनको ट्रेड जो यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम है जी? उनको प्रॉब्लम नहीं है तो इनको क्या प्रॉब्लम है? ये उनका इंडिविजुअली मसला है कि वो वहाँ क्या करते हैं उसको नहीं हमें देख। मैंने कल्चर पर एक किताब भी लिखी है, कल्चर ऑफ इंडो पाक पर 90 में। तो मैं ये समझता हूँ कि अवामी उधर की अवाम बहुत अच्छी है, इधर की अवाम भी बहुत अच्छी है, अवामी तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम जो क्रिएट की गई हैं ये हुकूमतों ने अवाम को दूर रखा है। हाँ बिल्कुल, आप समझते हैं कि ये बॉर्डर को वीज़ा आसान कर देना चाहिए, लोगों को मिलना जुलना चाहिए और ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कर लें 10 साल के लिए कि उसमें 10 साल में दोनों ममालिक अपने मसाइल हल करें। बिल्कुल करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। मसाइल बैठकर ही हल होते हैं। आपने ताशकंद का मुआहदा देख लें, शिमले का मुआहदा, भुट्टो साहब गए थे यहाँ से गए नहीं तो मुआहदे से ही आपने 97,000 फौज लेकर आए वापस। अब कैसे लेकर आए? मुआहदा ही किया आपने मुज़ाकरात करके। हाँ तो भाई ये एक तरीका है, रूल है, दुनिया में ऐसा ही होता है। और अगर आप कहें कि इधर तुम इधर हम तो वो आपने तो देख लिया, उसका अंजाम भी आपने देखा हुआ कि हमने बंगाल खो दिया और हमसे ज़्यादा आगे निकल गए हैं। वो देखें ज़्यादा हमसे इसलिए आगे निकल गए हैं कि उन्होंने नसार अब टाटा बिरला जब बने वो इनसे हिंदुस्तान पहले से लोग मौजूद थे, उन्होंने नेहरू साहब को ये बात कही कि बात ये है कि आप इम्पोर्ट पर पाबंदी लगा दें और जितने राजाओं की ज़मीनें सब छीन लें और ये इम्पोर्ट पर पाबंदी लगा दें, हम हर चीज़ सुई से लेकर जहाज़ तक यहाँ बनाएंगे। तो उन्होंने बनाया, उनको फ़ायदा हुआ, रशिया से उन्होंने पैक्ट किया, हम अमेरिका की तरफ चले गए, हमें नुकसान हुआ, अमेरिका लाखों मील दूर बैठा हुआ है और हम जो है रशिया हमसे ट्रेड करता तो हमें फ़ायदा होता। आप समझते हैं कि रशिया से भी ट्रेड होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारी चीज़ें वहाँ जाएंगी, हमारी माचिस तक वहाँ जाके बिकेगी, हमारी चीज़ें बिकेंगी वहाँ जाके, उनको हम राहदारी देंगे, हमें फ़ायदा होगा, क्यों नहीं होगा? सी पैक का फ़ायदा नहीं है? चाइना क्यों चाहता है? दूसरे मुल्क क्यों चाहते हैं? मुखालफत करने वाले भी हैं और मुआफ़कत वाले। इसमें आप नरेंद्र मोदी साहब जो हैं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको क्या मैसेज देंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब को थोड़ी सी अकल करनी चाहिए, बहुत टाइम ज़ाया कर दिया उन्होंने। मैं ज़ाती तौर पर ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब को कोई अकल करनी चाहिए और लोगों के अवाम के जो अजहान हैं, मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पर यूपी के हालात क्या हैं और बाकी सूबों के हालात क्या हैं। इस पे तो आपसे अपना भाई साहब एक लहरा निशस्त भी होगी और जो पाकिस्तान में है पाकिस्तान के हुक्मरान उनको कितनी अकल करनी चाहिए वो भी ज़रा प्लीज़ बताइएगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी शर्म करनी चाहिए हाँ कि अपने मफाद को छोड़कर अवामी मफाद को जो है देखना चाहिए कि हमारे क्या मसाइल हैं। हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सके 75 साल में, हम कर्ज़े के दलदल में फंसते अब इस नहज पे पहुंच गए कि हम श्रीलंका के मुकाबले में आ गए। मैं श्रीलंका विज़िट कर चुका हूं बहुत दफ़ा, इतना सा तो मुल्क है, लाहौर से पिंडी तक का मुल्क है वो, तो वहाँ भी पैसे वाले लोग हैं, ऐसी बात तो नहीं है। तो ट्रेड अगर खुलता है ईरान से इधर से उधर से खुलता है तो भाई हमें फ़ायदा होगा, हमें नुकसान नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुश्ताक साहब बताइएगा क्या आपके तासुरात हैं, तजारत बहाल होनी चाहिए पाकिस्तान और इंडिया की, या आप समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए? देखिए जी, इंडिया एक बड़ा मुल्क है और उससे हमें तजारत करने में फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। एक तो देखें ना आप, ये जब लोग वहाँ से तजारत की चीज़ें लेके आते हैं तो लाजमी बात है कि पाकिस्तान से उसको यहाँ से भी जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं वो यहाँ से लेके जाते हैं पाकिस्तान से। बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क से वहाँ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पाकिस्तान में आती हैं, तो जब तजारत होती है तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा होता है, तो इसमें कोई मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हमें जो है नुकसान है। बाकी जो इंटरनेशनल अफेयर्स में मामलात हैं इंसानों हमारे मुल्कों के, वो हमें हर बातचीत से तय करने चाहिए, उनको एक उनकी वजह से जो है जो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो नहीं रुकने चाहिए। चाइना है अपना, इंडिया है, उनके अपने कई 2-3 जंगें भी हो चुकी हैं उनकी, लेकिन उन्होंने अपने जो है तजारती ताल्लुकात मुर्कता नहीं किए हुए, वो चल रहे हैं उनके। तो पाकिस्तान के साथ क्यों ऐसा, या इंडिया और पाकिस्तान के मामलात क्यों ऐसे हैं, इनको नहीं ऐसे करने चाहिए? फिर आप ये देखिए कई उनकी
लोगों की यहाँ पे जो पार्टीशन में लोग यहाँ पे कुछ आए कुछ वहाँ रह गए, उनकी रिश्तेदारियाँ हैं वहाँ पे, तो कुछ देखे ना आप, ख़ानदान के ख़ानदान जो डिवाइड हो गए कई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मुतालबा करेंगे कि दोनों मुल्क अपनी तजारत खोलें। बिल्कुल, ये आपस में बैठ के टेबल टॉक करें। इसमें देखिए हमारे कई मामला जो हैं वो, अब देखिए आपके अभी पीछे हमें प्याज की ज़रूरत थी, टमाटर की ज़रूरत थी, बहुत सारी सब्जियों की ज़रूरत है, बहुत सारी अद्वियात की ज़रूरत है। वही मल्टीनेशनल कंपनियां जो है इंडिया में भी वहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, वही मल्टीनेशनल पाकिस्तान में भी कर रही हैं। वहाँ पे मेरे ख्याल में जो आप देखें शुगर की बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो वहाँ पे 30-40 रुपए की हैं और यहाँ पे 100 रुपए की है। इतना आप देखें ना डिफरेंस क्यों है यहाँ पे? लोगों के आज हर घर में बीमारी है, हर घर में जो है कोई ना कोई मरीज़ है, और वही अद्वियात जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ वहाँ पे भी बना रही हैं, यहाँ पे भी बना रही हैं, और वहाँ पे उनका ब्यार अच्छा है बजाय हमारे पाकिस्तान में। वो तो काम चला रही है सिर्फ, और वहाँ पे इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनियाँ वही वहाँ पे इंटरनेशनल ब्यार की अद्वियात बना रही है वहाँ पे। तो हमें हमारे मुल्क में जो है इस चीज़ को देखना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि हम जो है उनके छोटे भाई, दो भाई हैं, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, ऐसे आप डील कर ले। बिल्कुल सही है, ये ताल्लुकात होने चाहिए ताकि हमें जो है हमें भी फ़ायदा है उनको भी फ़ायदा है। ये बात नहीं है कि उनको नहीं फ़ायदा, बहुत सारी चीज़ों में उनको भी फ़ायदा है, बहुत सारी चीज़ों में हमें भी फ़ायदा है। तजारत तो हर सूरत होनी चाहिए हमारा, इसका हुकूमत पाकिस्तान से भी और हुकूमत इंडिया से भी जो हमारा जो एक उनसे क्या कहते हैं मुतालबा है कि इसको करें। वो देख रहे हैं पान, ये पान श्रीलंका से भी आ रहे हैं और पाकिस्तान में भी कुछ कास्ट हो रही है पानों की, जबकि ये सुपारी आप देख रहे हैं, अब ये सुपारी जो है ये सारी की सारी ये श्रीलंका से आ रही है, इंडिया से अब सुपारी नहीं आ रही। ये सारी इसकी तादाद कर लें, ये साबित आती है, ये कूटी है इधर, इन्होंने काटी है सुपारी, ये इंडिया से नहीं आ रही बल्कि श्रीलंका से आ रही है। ये डाबर आमला है जी, ये इंडिया से भी, ये दुबाया दुबई आया है, और ये भी इंडिया की मेरे ख्याल से पेस्ट है, डॉक्टर डेंटल डॉक्टर, ठीक है जी। और ये सीका का ही, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका भी ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, और ये इंडिया बेसिकली इंडिया की कंपनी है। ये डाबर आमला पड़ा हुआ है जी, ये इंडियन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, अभी वाया दुबई सामान आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि बाज़ ब्रांड या बाज़ जाली चीज़ें भी बन रही हैं पाकिस्तान में, तो आप पता नहीं ये यहाँ ये एक नंबर चीज़ है या दो नंबर है। तो बहरहाल इंडिया से ज़्यादा बंद होने से दोनों मुल्कों का नुकसान हुआ है। कोलगेट और कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो ये इंडिया से तो नहीं आई, वाया दुबई आई है या फिर ये वाया कोयटा आई है, तो ये नहीं पता ये एक नंबर है या दो नंबर है। दुकानों पे इंडियन चीज़ें कम हैं और ये मिक्स चीज़ें पड़ी हैं, और दुकान और इनको ख़रीदार भी नज़र नहीं आ रहे, यानी काफ़ी काम मंदा है मार्केट का। जी नाज़रीन, आपने देखा है पान मार्केट अनारकली में लोगों के तासुरात आपने सुने हैं, लोग यही चाहते हैं कि जी दोनों ममालिक के दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत को बहाल होना चाहिए। और ज़ाती तौर पे मैं यही समझता हूँ कि जी इंडिया और पाकिस्तान को अपने देराना जो मसाइल हैं, जिसमें कश्मीर भी है, साचिन भी है, ये बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। तजारत बंद करने से ना मसाइल कभी हल हुए हैं बल्कि मसाइल बढ़ते हैं। दोनों ममालिक को फौरी तौर पर तजारत बहाल करनी चाहिए, पाकिस्तान को राजदारी खोल देनी चाहिए तजारत के लिए, और इंडिया से मुदाखरत करने चाहिए कश्मीर पर और बाकी मसाइल को हल करने के लिए। नेक्स्ट टाइम नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अली फारूक को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।